यह है वोडाफोन का टावर। वोडाफोन का नेटवर्क इंडिया में चलता है, लेकिन आज वोडाफोन का नेटवर्क ओमान में भी चलता है। हाय गाइज, मैं हूँ कमल शर्मा। कैसे आप सब लोग, आयो ठीक ठाक होंगे? मैं भी ठीक हूँ, मस्त हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि ओमान देश की राजधानी मस्कट दिखाइए, तो गाइज आज मैं दिखाने वाला हूँ ओमान देश की राजधानी मस्कट कैसा है, यहाँ का रोड कैसा है, यहाँ का ट्रैफिक कैसा है, यहाँ का बाजार कैसा है, सब कुछ आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे देखिए शर्मा मिक्स ब्लॉग का एक बटन है, उसमें सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलो आपको मैं दिखाता हूँ मस्कट सिटी, यहाँ का रोड, यहाँ का ट्रैफिक। ओमान देश का जो कैपिटल है वो मस्कट है, और ओमान का सबसे बड़ा सिटी भी मस्कट है, सबसे क्लीन सिटी भी मस्कट है। एक नज़र मेरे वीडियो के माध्यम से आप इस सड़क पर डालिए। सड़क के दोनों ओर हरे भरे पेड़ लगे हुए हैं, रोड में कहीं भी कूड़ा कचरा नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा रोड है, सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है यहाँ पर। ओमान की राजधानी मस्कट बहुत सुंदर सिटी है। ओमान का क्षेत्रफल 252,315 वर्ग किलोमीटर है, और ओमान का जो जनसंख्या है लगभग तकरीबन 52 लाख के आसपास है। ओमान बहुत सुंदर और शांतिपूर्ण देश है, यहाँ पर कोई क्राइम नहीं है, क्राइम बिल्कुल 0% है, इसलिए यहाँ पर सभी लोग घूमना आना पसंद करते हैं। जितनी ज़्यादा आबादी ओमान की है उस आबादी से ज़्यादा तो बाहर के टूरिस्ट लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये 4 महीना सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए। हालांकि टूरिस्ट लोग 12 महीने आते हैं, लेकिन ये 4 महीना इसलिए आते हैं, ये 4 महीने यहाँ का मौसम नॉर्मल होता है, ना गर्मी ना सर्दी। ये रोड ओमान से दुबई जाने वाला हाईवे रोड है। इस रोड पर गाड़ी चलाने की अधिकतम स्पीड है 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा स्पीड से चलाएंगे तो आपको कैमरा कैच करेगा। ये देखिए अभी येलो निशान के अंदर एक कैमरा है, इसी से आपकी गाड़ी की फोटो ली जाएगी, उसके बाद आपके घर फाइन भेज दिया जाएगा। अलग अलग रोड का अलग अलग स्पीड निर्धारित किया गया है। अंदर वाले रोड का किसी का स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है तो किसी का 100 किलोमीटर पर आवर भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा अधिकतम स्पीड जो है 120 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से गाड़ी चला सकते हैं इस रोड पर। आप जो हैवी व्हीकल, जो बड़े ट्रक देख रहे हैं, इनका स्पीड लिमिट है 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये चला सकते हैं। रोड के किनारे पे देखिए खजूर के ट्री लगे हुए हैं, और देखिए कितनी शानदार बिल्डिंग बन रही है ये। इस एरिया का नाम है अलखोद, और यहाँ की सड़क बहुत जानदार और बहुत शानदार होते हैं, कोई टूटा फूटा गड्ढा नहीं होता है, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ तारकोल से बनाते हैं सड़क बहुत जल्दी टूट जाता है, लेकिन यहाँ खाली तारकोल से नहीं बनता है, 65% प्लास्टिक और 45% तारकोल मिलाकर सड़क को बनाया जाता है। ज़्यादा मात्रा में प्लास्टिक होता है यहाँ पर, इसलिए सड़क पिघलता भी नहीं है। यहाँ पर गर्मियों का तापमान लगभग 55 डिग्री तक पहुँच जाता है, इतने गर्मी में भी सड़क पिघलता नहीं है, तारकोल पिघलता नहीं है, क्योंकि ये ओनली तारकोल नहीं है, इसमें प्लास्टिक मिक्स है। जैसे हमारे यहाँ वोडाफोन का नेटवर्क चलता है, अब ओमान में भी वोडाफोन का नेटवर्क चलने लगा है। देखिए ये टावर है, रोड के किनारे पर टावर लगा हुआ है वोडाफोन का, अभी वोडाफोन का बहुत शानदार नेटवर्क चलता है यहाँ पर भी। तो गाइज ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, और आगे आने वाले समय में आप क्या वीडियो देखना चाहते हैं मेरे चैनल के माध्यम से, वो भी आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा,
चैनल में पहली बार आए हैं अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे देखिए सब्सक्राइब का बटन है, उस बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए कितना शानदार रोड है, दोनों ओर हरियाली, देखिए बड़े बड़े खजूर के पेड़ हैं, देखिए शानदार खजूर के पेड़ हैं। अगस्त सितंबर में इन पेड़ों में खजूर पक के बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, कोई भी तोड़ के खा सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं, कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि सरकारी पेड़ हैं। और रोड के किनारे पे बहुत सुंदर फूल भी लगाए गए हैं, यहाँ पर रंग बिरंगी फूल भी लग रही है, आप देख सकते हैं, देखिए लाल पीले सफेद। और यहाँ पर मेरे दोस्त टुटून गाड़ी चला रहे, मैं साइड पे सीट पे बैठा हूँ क्योंकि मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता है, हालांकि थोड़ा बहुत चला लेता हूँ, लेकिन मेरे पास ओमान का लाइसेंस नहीं है, ओमान में लाइसेंस होना जरूरी है, बिना लाइसेंस नहीं चला सकते। और 120 की स्पीड में गाड़ी चल रही है क्योंकि 120 की स्पीड में चला सकते हैं गाड़ी, कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि ये एक्सप्रेस वे रोड है, 8 लेन का रोड है ये, एक साइड 4 लेन, एक साइड 4 लेन, टोटल 8 लेन का रोड है ये, बहुत शानदार जानदार रोड है ये, दुबई से ओमान आने वाला, ओमान से दुबई जाने वाला रोड है ये। तो गाइज आपने इस वीडियो को एंड तक देखा उसके लिए थैंक यू सो मच, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे देखिए सब्सक्राइब लिखा होगा, वहाँ दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिएगा मेरी इंस्टाग्राम का लिंक है, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करिए और मुझे मैसेज करिए, कोशिश करूँगा आपके हर मैसेज का जवाब देने की। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।